नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। दिल्ली से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर आग से भीषण तबाही देखने को मिल रही है। देश के लोग सुबह सुबह अपनी आंखें खोल रहे थे और कुछ करने की सोच ही रहे होंगे, तो ये दुखद खबर सबको चौंका गई। जी हाँ, दिल्ली के अनाज मंडी इलाके में आग ने भीषण तांडव मचाया है। चार मंजिला इमारत में लगी आग में अब तक आग से जलकर 32 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग झुलसे हुए हैं। आग लगने की सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग में फंसे दर्जनों को निकाला है और गंभीर रूप से घायलों को निकालकर LNJP हिंदूराव और RML अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इनका इलाज जारी है। वहीं फायर ब्रिगेड के अधिकारी के माने तो मौके पर 30 दमकल गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। दमकल कर्मियों की माने तो 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड के अधिकारी राहत और बचाव कार्य के अभियान में लगे हुए हैं। दमकल विभाग के अधिकारियों के माने तो आग की सूचना दमकल विभाग को सुबह 5:22 पर दी गई, जिसके बाद मौके पर दमकल के वाहनों को भेजा गया। आग में झुलसे गंभीर लोगों का इलाज किया जा रहा है और LNJP अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की माने तो 14 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस घटना पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि 32 लोग मारे गए हैं, लेकिन मिल रही अपुष्ट खबरों की माने तो मरने वालों की संख्या 35 है और आगे भी इनकी संख्या बढ़ सकती है। मरने वालों की इतनी संख्या होने पर फायर ब्रिगेड का कहना है कि ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई है और काफी लोग सो रहे थे, और जब आग पूरा जोर पकड़ रही थी तब लोगों को इस बात की जानकारी हुई, इसलिए भागने का मौका ही नहीं मिल पाया। इस वजह से कैजुअल्टी ज्यादा बढ़ गई। वहीं इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने दुख प्रकट किया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार घटनास्थल पर बड़ी संख्या में दमकल कर्मी मौजूद हैं और फंसे हुए लोगों को निकालने में लगे हुए हैं। मकान की खिड़कियों से काला धुआं निकल रहा है, जिससे जाहिर हो रहा है कि अंदर भीषण आग लगी थी। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है।